नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। साल 2023 का सावन महीना कई मामलों में खास है। उस पर सावन महीने के खास व्रत और त्योहार में दिनों में भी विशेष संयोग बन रहे हैं। 17 जुलाई को पड़ रहा सावन का दूसरा सोमवार सोमवार भी विशेष रहने वाला है। सावन के दूसरे सोमवार पर चार शुभ योगों का संयोग बन रहा है। ये शुभ संयोग बनने से भोलेनाथ को प्रसन्न करने और मन चाहा वर पाने का बड़ा मौका मिलेगा। सावन के दूसरे सोमवार में विशेष पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूरी होगी। सावन के दूसरे सोमवार पर व्रत रखने और शिव जी की विधि विधान से पूजा करने से सारे कष्ट दूर होंगे और मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। 17 जुलाई 2023 सोमवार के दिन चार शुभ संयोग बन रहे हैं। इन शुभ संयोगों में किया गया पूजा पाठ जाप प्रार्थना हर मुराद पूरी कर देता है। जो लोग मन चाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, उन्हें जरूर यह व्रत रहना चाहिए, करना चाहिए और शिवलिंग का अभिषेक पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं दूसरे सावन सोमवार पर कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला है सोमवती अमावस। सावन के दूसरे सोमवार के दिन श्रावण अमावस्या पड़ रही है। चूंकि अमावस्या सोमवार के दिन है, इसीलिए इसे सोमवती अमावस भी कहा जाएगा। इस दिन स्नान दान करना अक्षय पुण्य फल प्राप्त कराता है। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या। हर साल सावन महीने की अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। हरियाली अमावस्या के दिन प्रकृति की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और पीपल आंवला नीम बरगद शमी आदि के पौधे लगाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। ऐसा करने से देवी देवता और पितृ प्रसन्न रहते हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर रुद्राभिषेक के लिए भी शिववास भी है। शिववास में रुद्राभिषेक करना बहुत शुभ फल देता है। 17 जुलाई को शिववास माता गौरी के साथ है, जो कि सूर्योदय से लेकर रात्रि तक रहेगा। इसके अलावा पुनर्वसु नक्षत्र। इतना ही नहीं, सावन के दूसरे सोमवार पर पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र को बेहद शुभ नक्षत्र माना जाता है। इसकी इष्ट देव है माता अदिति हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।